अगर आप क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट सुपर डुपर फैन यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकॉन को, लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट पाएं सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट सुपर डुपर फैन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के बारे में, जो कि 26 सितंबर को खेला जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, यानी वो कौन से 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की जाने से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि पहला टेस्ट मैच कब और कहां और कौन सी स्टेडियम में खेला जाएगा और कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो प्लेइंग 11 की बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस का सीरीज है। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले टेस्ट मैच की, तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच, जो कि 26 सितंबर को सेंचुरियस के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा, जो कि मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10 बजे स्टार्ट होगा, यानी 10 PM पे, और इंडिया टाइम के मुताबिक 10:30 बजे यानी 10:30 PM पे स्टार्ट होगा। दोस्तों, हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, जो कि इंजरी के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, और उनकी जगह पर मोहम्मद आमिर को खिलाया जाएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्लेइंग 11 की। दोस्तों, अगर हम बात करें सलामी जोड़ी के ओपन की, तो नंबर 8 पे होंगे इमामुल हक, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन बैटिंग करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे होंगे फ़खर जमान, जो कि एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्राइक जैसे बैटिंग करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर नाम आता है सीनियर बैट्समैन अजहर अली का, जो कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त और बेहतरीन बैट्समैन है, जो कि बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे होंगे अशद शफीक, जो कि भी पाकिस्तान के सीनियर बैट्समैन हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पाँचवें नंबर की, तो पाँचवें नंबर पर लेफ्ट हैंड में बैट्समैन हारिस सोहेल खेलेंगे, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। दोस्तों, हम बात करें छठे नंबर की, तो छठे नंबर पर होंगे बाबर आजम, जो कि टेस्ट में ज़बरदस्त और बेहतरीन फॉर्म में आ चुके हैं। दोस्तों, हम बात करें सातवें नंबर की, तो सातवें नंबर पर होंगे कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। दोस्तों, हम बात करें आठवें नंबर की, तो आठवें नंबर पर होंगे लेग स्पिनर यासिर शाह, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जो कि उम्मीद ये है कि यासिर शाह को पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे होंगे मोहम्मद आमिर, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन फास्ट गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें 10वें नंबर की, तो 10वें नंबर पे होंगे हसन अली, पाकिस्तान के ज़बरदस्त और बेहतरीन गेंदबाज। दोस्तों, अगर हम बात करें 11वें नंबर की, तो 11वें नंबर पे होंगे शाहीन शाह आफरीदी, जो कि भी ज़बरदस्त और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों, ये 11 खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान की जानिब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें ज़्यादा चेंजेस होने का इम्कान नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने राय अपने विचार का इजहार ज़रूर करें कि वो कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से और कौन सी टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी।